जयराम जी की मालिक। जयराम जी की वो लगा दिए गुलाब वगैरह? हाँ, वो गुलाब तो पहले ही लगा दिया मुझे। राम राम मालिक। राम राम, कैसे हो बंसी काका? सब बाय बंसी वारे की। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा। कम डाउन। कमिंग। चाय बना रही मालिक? नहीं ठहरो जरा, बिटिया को आने दो। पापा। हेलो मालिक, बिटिया आ गई। पापा, लोग सुबह सुबह ताजी हवा खाते हैं और आप सिगरेट का धुआं। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन कभी कभी मधु मधु क्या क्या कर रही? डॉक्टर अंकल ने आपको मना किया है। ओ, ओ, आप डीप ब्रीदिंग कीजिए कीजिए डीप ब्रीदिंग कीजिए। ओके ओके ओके। मैं चाय बनाती हूँ। बंसी काका, फिर भूल गए? अब का भूल गए बिटिया? वही बंसी काका जो चाय में। अरे वही का चाय में मालिक। वन टू थ्री। नमस्ते साहब जी। नमस्ते, कैसे हो श्यामू? मजे में हूँ जी। साहब जी, हमने जो होटल में बगीचा लगाया कैसा है, पसंद आया? अच्छा है, अंकल को तुम्हारा काम बहुत पसंद आया। बहुत अच्छा। नमस्ते अंकल। आओ विपन, आओ आओ, जीते रहो, बैठो बेटे। अरे शक्कर शक्कर भूल गए। अब ये मत भूल जाना कि कहाँ ले जाना है। वो प्रॉपर्टी टैक्स का पेमेंट हो गया ना? मैंने फॉर्म्स वगैरह सब तैयार कर लिए हैं, बस शाम को आकर आपसे साइन करा लूंगा। अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, चलता हूँ। चाय तो पी के जाओ। अजी चाय हम पी लेंगे। आओ विनोद, आओ अंकल। गुड मॉर्निंग विपिन। हाँ विनोद, तुम्हारे ऑफिस में मैं कुछ पेपर छोड़ आया हूँ, जरा एग्रीमेंट बना देना। अरे आज ही बन जाएगा, नो प्रॉब्लम। कहीं जा रहे हो? अब मुझे बैंक जाना है। अच्छा ओके अंकल, ओके ओके बेटा, बाय बाय। लाओ भाई चाय पिलाओ। थैंक यू। आपकी वकालत कैसी चल रही है? इनके काम की क्या पूछ रही हो बेटा, जुर्म दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और यू आर राइट अंकल। अरे हाँ मधु, अगर शाम को कोई प्रोग्राम ना हो तो पिक्चर चलें? क्राइम स्टोरी की बहुत तारीफ सुनी है। देखना तो मैं भी चाहती थी, लेकिन मैं आज नहीं जा रही हूँ। मैं तो भूल ही गया था, तुम्हें तो आज सहेलियों के साथ पंच नहीं जाना है ना? पंच गनी भाई वाह, दिल तो मेरा भी बहुत था चलने का, लेकिन क्या करें, कोर्ट का केस अटका हुआ है। पहले काम फिर आराम, क्यों पापा? अरे मैं अभी तक गई नहीं और आपकी स्पीच शुरू। एक बेटा एक दे देना। अच्छा, आप दिन में सिर्फ चार सिगरेट पिएंगे? ओके ओके। प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस प्रॉमिस। पक्का? हाँ पक्का पक्का। अच्छा मैं तैयार हूँ, भूलना नहीं। हाँ बाय विनोद। बाय। देखा मेरा कितना ख्याल रखती है ये। क्यों नहीं रखेगी अंकल, आपने इसे पिता का ही नहीं माँ का भी प्यार दिया है। अरे इसे देखकर ही तो दो घड़ी हंस लेता हूँ, वरना इसकी माँ के जाने के बाद मुझे लगता था कि जिंदगी में कुछ रखा ही नहीं है। ओ बंसी, अरे सो गए क्या? कुंदन तुम? तुम्हें किसी ने आते देखा तो नहीं? नहीं भैया, मैं दीवार फांद आया हूं। 18 साल पहले भी तुमने इसी तरह दीवार फांदी थी और बंगले के मालिक का खून कर दिया था, अब यहां क्या करने आए हो? भैया, पिताजी ने हम दोनों को जायदाद का बराबर बराबर हिस्सा दिया था, तुम तो मां के जेवर तक लेकर चले गए, लेकिन किया क्या? शराब, जुआ, अय्याशी, देवी जैसी तुम्हारी पत्नी घुट घुट के मर गई, लेकिन फिर भी तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। यकीन मानो भैया,
मैं उस कातिल और बदचलन कुंदन को जेल की चार दीवारी में ही दफन कराया हूं। ये देखो, अच्छे चाल चलन की वजह से मुझे जेल से 2 साल पहले ही रिहाई मिल गई है। मुझे मौका दो भैया, ताकि मैं अपने गुनाहों का पश्चाताप कर सकूं। ये तो ठीक है कुंदन, मगर मैं मजबूर हूं। दुनिया की जुबान पर ताले नहीं लगाए जा सकते। तुम्हारे माथे का कलंक मुझे भी नहीं बख्शेगा। ठीक है, मुझ पर एक छोटा सा एहसान करोगे, मुझे मेरे बेटे से मिलवा दो। ये भी मुमकिन नहीं, क्योंकि तुम उसके लिए मर चुके हो। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो भैया। बात कुछ ऐसी ही है कुंदन, मैं तुम्हारे बेटे को बचपन में ही बता चुका हूं कि तुम एक हादसे का शिकार होकर मारे जा चुके हो। अब मैं उसे कैसे बताऊं कि तुम जिंदा हो और एक सजा याफ्ता खूनी हो? बेहतर यही है कि तुम उसे और इस घर को अपने साये से दूर रखो, और पेशतर इसके कि तुम्हें यहां कोई देख ले, तुम कहीं दूर चले जाओ। तुम ठीक ही कहते हो, मैं कहीं दूर किसी आश्रम या किसी मंदिर में अपना बुढ़ापा काट लूंगा। प्लीज मुझे गलत मत समझो कुंदन, मैं सिर्फ ठहरो। ये लो 25,000, लो ना, इससे कोई बिजनेस शुरू कर लेना। भैया, मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूं। थैंक्स, इतनी बड़ी रकम एक अच्छा इंसान बनने के लिए काफी है। मैं जाता हूं कुंदन। भैया, सुनो, फिक्र ना करना, तुम्हारे बेटे को मैं अपने बेटे की तरह पाल रहा हूं। भगवान उसकी उम्र लंबी करे, और तुम्हारी भी। मैं वादा करता हूं भैया कि कुछ बनकर ही तुम्हारे सामने आऊंगा। वेलकम अंकल, आइए। हेलो बेटा, थैंक यू। विपिन, ये सीलिंग की डेकोरेशन का क्या किया तुमने? अंकल बस शाम तक पूरा हो जाएगा। और पीछे का? वो बिल्कुल कंप्लीट है, आइए आप देखिए। चलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, एवरीथिंग ओके? ओके। वेल डन विपिन, आई एम वेरी हैप्पी। तुमने तो हमारे होटल सी क्वीन को वाकई ही क्वीन बना दिया है। थैंक यू अंकल। मैं आज ही विनोद से कहकर तुम्हारा एग्रीमेंट बनवा देता हूं। एग्रीमेंट? कैसा एग्रीमेंट अंकल? भाई आखिर तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल तो मिलना ही चाहिए। होटल के प्रॉफिट्स का 20% हिस्सा तुम्हारा होगा। 20%? इसकी क्या जरूरत है अंकल, मैं जो कुछ भी हूं सब आप ही की मेहरबानी है। नहीं भाई, मेरी कोई मेहरबानी नहीं, मैं तो सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा हूं। आखिर तुम मेरे जुड़वे भाई कुंदन की औलाद हो, अगर कुंदन की जगह मैं हादसे का शिकार हो जाता तो क्या मधु की जिम्मेदारी तुम्हारे डैडी कुंदन नहीं निभाते? वो तो ठीक है अंकल, मगर इतना कुछ लेने के बाद
ये प्रॉफिट में हिस्सा लेना मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे अच्छा लगता है। वो हमारे इंटीरियर डेकोरेटर चंद्रकांत शाह आने वाले थे ना? हाँ, वो आए हुए हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। तो भी बुला लो उन्हें, बैठकर डिस्कशन कर लेते हैं। ओके अंकल, मैं अभी बुलाता हूँ। मैंने तो कुछ नहीं मांगा। क्यों? जब बिना मांगे मुझे तुम्हारा प्यार मिल गया तो मांगने में रखा ही क्या है? मैं तो सिर्फ थैंक्स कहने आया था। L O V E Love Yes L O V E love 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 का मतलब प्रेम, प्रेम का मतलब रोग, love का मतलब प्रेम, प्रेम का मतलब रोग। कहते हैं ये लोग प्रेम रोग, प्रेम रोग, प्रेम रोग, प्रेम रोग। लव का मतलब प्रेम, प्रेम का मतलब रोग। दर्द सा होता है, हाँ होता है, रातों को नींद उड़ जाती है। अरे बाबा रे, मीठा मीठा दर्द सा होता है, रातों को नींद उड़ जाती है। जवानी दीवानी कहलाती है, क्या बात है, प्रेम कहानी बन जाती है। दिल का आना, दिल का आना, ये तो है संजो। लव का मतलब प्रेम, प्रेम का मतलब रोग। अरे कहते हैं ये लोग प्रेम रोग, प्रेम रोग, प्रेम रोग, प्रेम रोग। प्रेमियों के रंग तो निराले हैं, मालूम है, जग से जुदा ये दिल वाले हैं। और प्रेमियों के रंग तो निराले हैं, जग से जुदा ये दिल वाले हैं। अपनी गली में जब आते हैं, अपन घर भूल जाते हैं। प्रेम करे तो वो इसे जाने, क्या जाने ये लो। लव का मतलब प्रेम, प्रेम का मतलब रोग। अरे कहते हैं ये लोग प्रेम रोग, प्रेम रोग, प्रेम रोग, प्रेम रोग।
में जो कोई बच जाता है, क्या होता है, जीने में बड़ा मजा आता है। और दिल में जो कोई बच जाता है, जीने में बड़ा मजा आता है। धड़कनों की लय पे प्रेमी तो प्रेम तराना गाता है। प्रेम दवा हर दर्द की है, क्यों लोग कहें इसे रो। लव का मतलब प्रेम, प्रेम का मतलब रो। पर कहते हैं ये लोग, कहते हैं ये लोग प्रेम रो। हेलो, इंस्पेक्टर विजय हियर। जॉनी हियर। आप उनका नाम तैयार रखो साहब। व्हाइट एम्बेसडर MRY 2572। ये गाड़ी मेरी है इंस्पेक्टर। मैं आपका लाइसेंस देखना चाहूँ। तलाशी भी लेना चाहूंगा। शौक से ले सकता है, ये चाबी है। थैंक यू। अभी मैं चाय पीता हूं। नहीं है, मैं गॉड फियरिंग सिटीजन हूं। क्या मैं जा सकता हूं? यस, yes, जा सकते हैं आप। अरे यार, चेक नहीं की। दिल को दिल, बदन को बदन, दिल को दिल, बदन को तमन, हर किसी को चाहिए तन मगा मिला। बदन हर किसी डैमेज। अरे वाह, डॉच द बास्टर्ड।
रखो। मिस्टर विनोद, कोर्ट केस सुनाओ। अरे अंकल, रिसेंटली कोर्ट में एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस आया। एक बीवी ने अपने शोहर पे डिवोर्स केस किया। उसने कहा भाई मैं अपने शोहर से प्यार तो बहुत करती हूँ, लेकिन ये रात को खर्राटे बहुत मारते हैं, इसलिए मैं इनसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ। जज ने जजमेंट दी कि भाई डिवोर्स लेने की क्या जरूरत है, हम इनकी नाक ही कटवा देते हैं। भाई ये अच्छी रही, उस बेचारे का नाक ही कट गया। कमाल, आप लोगों की लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग रहती है ऐसे केसेस। हेलो मधु। हेलो। आप बैठो। बैठिए। कैसे भैया? आई एम फाइन। बैठो बेटा। पापा। ओ आई एम सॉरी। नहीं नहीं, ये बात नहीं पापा, मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है। बेटा, मैंने विनोद जी को यहाँ बुलाया है, हम इकट्ठे बैठ के खाना खाएंगे, कुछ बातें करेंगे, और तुम बाहर जाने की बात कर रही हो। पापा, अगर मैं वहाँ नहीं गई तो ना जाने वहाँ क्या हो जाएगा। कहाँ क्या हो जाएगा? जहाँ मैं जा रही हूँ। लेकिन बताओगी भी कहाँ? ये बड़ी बाप की बेटी होना भी एक मुसीबत है। दिन में 51 जगह से लोग बुलाते हैं, किसी की कुछ परेशानी, किसी की कोई। 50 जगह तो मैंने मना कर दिया, लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहाँ मैं मना नहीं कर पाई। अब आप ही बताइए विनोद जी, अगर किसी के भविष्य का सवाल हो और अगर मेरे जाने से उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा हो तो मुझे जाना चाहिए या नहीं? जाना तो चाहिए। पापा, विनोद जी ने भी हाँ कर दी। हाँ बेटा जाओ। सॉरी, आई कुडंट गिव यू कंपनी। कंपनी तो इन्हें मैं दे दूंगा। अरे बेटी, तुमने तो कुछ खाया ही, खाना अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। इतने बरसों बाद इतना अच्छा खाना खाया, माँ की याद आ गई। मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ, चाहो तो रोज आ जाया करो। रोज कैसे आ सकती है माँ, इसके पिताजी क्या सोचेंगे? हाँ अगर तुम अगर। अरे ये क्या, हाँ अगर तुम अगर, आखिर तू कहना क्या चाहता है? मैंने तो इसे जब से देखा है, भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि ये मेरी बहू। अरे भगवान से कहोगे तभी तो वो तुम्हारी बात मानेंगे। अरे कहूंगी क्यों नहीं, तो कल ही कह दो ना माँ, वो बड़ा शुभ दिन है वो पूर्णमासी का। समझी, पहले तो भगवान को मानता नहीं था और अब आज भगवान याद आ गए। माँ तुम ही तो कहती हो कि भगवान ही सब रिश्ते नाते जोड़ते हैं। ओ, हो, अरे तुझसे बहस में कौन जीत सकता है। जाओ तुम लोग गार्डन में बैठो, मैं कॉफी भेजती हूँ, जाओ। मुंडू, बहू कितनी अच्छी है ना। नौकर होते हुए भी माताजी सब काम अपने हाथों से करती है। मेरी माताजी भी ऐसी ही थी, इसलिए तो तुम्हें पसंद कर लिया। अब अगर तुम्हारे पिताजी भी मुझे पसंद कर ले तो। करेंगे क्यों नहीं, वो कभी मेरी बात नहीं डालते। ये बात है तो आज से ही तुम्हें अपनी पत्नी मान लूं? हट, बिना फेरों के मैं तुम्हारी पत्नी कैसे बन सकती हूँ? अरे तो फिर यहीं 7 बार घूमकर फेरे ले लेते हैं। माँ जी, मुंडू कॉफी वहां रख दो। विजय बेटे, तुम लोग कॉफी पियो, मेरा कॉलेज जाने का वक्त हो गया है। मधु, पिताजी भगवान का दिया सब कुछ छोड़ गए, मैं भी कमा रहा हूँ, लेकिन ये माताजी हैं, कॉलेज में प्रोफेसर हैं। अरे बेटे, कॉलेज जाने से मेरा वक्त कट जाता है, घर में जब बहू आ जाएगी और इतने छोटे 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 भागने लगेंगे तो मैं काम छोड़ दूंगी। क्यों बेटी? अच्छा मैं जा रही हूँ, नमस्ते। अब आप जल्दी से कॉफी पीजिए, घूमने नहीं जाए। सर, आपको कमिश्नर साहब ने इसी वक्त घर पे बुलाया। तुम चलो, मैं आता हूँ। मधु, मैं उनसे मिलकर तुम्हें उसी जगह मिलूंगा। कम इतनी चुप क्यों हो, कमिश्नर साहब ने कुछ बोला क्या? कमिश्नर साहब क्या, अपनी ड्यूटी ऐसी है, कल दिल्ली जा रहा हूँ। तो जाओ, वहां से फोन तो करोगे। फोन के बगैर चैन कहाँ मिलेगा। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे लिए दिल्ली से क्या लाऊं? लाल किला। लाल किला? अच्छा कुतुब मीनार। अरे तुम तो मजाक कर रही हो। अच्छा बाबा, मजाक नहीं करती, तुम फौरन लौट आना। मैं तो काम खत्म करते ही आ जाऊंगा।
अच्छा ये बताओ मेरे जाने के बाद क्या करोगी? वही जो मैं क्या करती थी। क्या करती थी? विनोद के साथ पिक्चर देखा करती थी। विनोद के साथ? क्यों, इसमें हर्जी क्या है? मैंने तो बहुत फिल्में देखी है उसके साथ। बहुत फिल्में देखी? तो तुम मुझे इधर उधर बुलाकर मेरा मजाक क्यों उड़ाती हो? तो तुम क्यों चले आते हो? मैं क्यों चला आता हूँ? ठीक है मैं जा रहा हूँ मधु, मैं जा रहा हूँ। जाओ मधु, मैं मरने जा रहा हूँ मधु। मरने? दीवाना आज मरने की तैयारी करने
हर बिना शादी किए देखो मरने लगा। अरे लोगो पकड़ो, अरे पकड़ो पकड़ो, ये लड़का दीवाना दीवाना। नमस्ते माँ जी, आप आओ बेटी बैठो। विजय तो चला गया। चला गया? हाँ, रात कुछ नए ऑर्डर्स आ गए और मॉर्निंग फ्लाइट उसे जाना पड़ा। उसने तुम्हारे यहाँ टेलीफोन किया था, शायद बंसी था टेलीफोन पर, इसीलिए मैसेज नहीं मिला। कितने बजे की फ्लाइट है? 8:30। अरे बेटी, इतनी सी बात के लिए उदास हो गई? देखना आज रात को तुझे जरूर फोन करेगा। हेलो, रॉन्ग नंबर। बेवकूफ, दिल्ली जाकर सब कुछ भूल गया। फोन करके अपना ही नंबर बता देता, नहीं कर लेती। बारह बज गए। क्यों बेटा, कुछ खा नहीं रही हो? दिल नहीं कर रहा। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है? तबीयत तो ठीक है, लेकिन कुछ खाने को मन नहीं कर रहा। आजकल पानी में कुछ गड़बड़ है, अभी डॉक्टर गुप्ता को फोन करता हूँ। मेरा फोन। मेरा है। हेलो। हेलो। हाँ, तो अब साहब को फुर्सत मिली है। यू नो, सारी रात इंतजार करती रही। अरे मधु, मैं भी सारी रात ट्राई करता रहा पर कॉल ही नहीं मिली। लाइटनिंग कॉल भी नहीं मिली। लाइटनिंग? अरे तुम्हें कैसे पता चला यहाँ बिजली कड़क रही? आई सेड लाइटनिंग कॉल। ओह, लाइटनिंग कॉल, ये बात तो दिमाग में नहीं आया यार। दिमाग हो तो ना। दिमाग? आई मीन ब्रेन्स, जो नहीं है। ब्रेन्स? ऐसा करो, व्हाई डोंट यू पार्सल देम फ्रॉम बॉम्बे। शट अप, शट अप। अच्छा सुनो, दिल्ली से 10 ट्रेनें और 12 प्लेन रोज आते हैं, आप कब आ रहे हैं? मुझे एक हफ्ता लगेगा मधु। वन वीक। वन वीक? मेक मी वीक। अच्छा ये बताओ, माता जी अंकल से मिलने आई थी कि नहीं? नहीं, अभी तक तो नहीं आई। तो आती होंगे, तुम यू मस्ट टेक केयर, उनका ध्यान रखना। हाँ अच्छा, वो तो आ जाएंगी। मधु बेटा, टेलीफोन ने पकड़ लिया क्या? आई पापा। अगर तुम नहीं आए, मेरी तुमसे कट्टी। जरूर बाबा, जरूर, डेफिनेटली। ओके, सी यू, बाय बाय। बाय बाय, टेक केयर, मिसिंग यू। क्या बाबा, आप तो कुछ खाए नहीं रहे हो। अरे अब क्या हुआ? बहुत भूख लग रही है, बहुत भूख लग रही है। भाई ये तुम्हारी सहेली तो कोई जादूगर नहीं दिखती है, बिना दवा के ठीक कर दिया। इस बार आएगी ना तो मुझे भी जरूर मिलाना। जरूर मिलाऊंगी, अब तो मिलवाना पड़ेगा। अरे भाई खड़े खड़े देख क्या रहे हो, देखते नहीं बिटिया को भूख लगी है? आलू के पराठे बनाओ, भी खाएंगे। जो हुक्म। देखा बिटिया, तुम्हें मुस्कुराते देखते ही मेरी भूख भी चौक उठी, बस इसी तरह हंसती रहा करो। पापा पापा। तो अब बहुत लाड हो गया, चलो नाश्ता करो। How rude. No smoking. Thank you. लीजिए सरकार। क्या बंसी काका, मंगाए थे पराठे और उठा लाए पूरी। सरकार भूल हो गई। अब रहने भी दो काका, पूरी चलेगी। वन टू थ्री। भाजी ला रहे हैं। देखो विनोद, ये फैसला तो मैंने तुम्हारे पिताजी के साथ कर लिया था कि मधु की शादी तुमसे ही करूंगा,
लेकिन फिर सोचा कि तुम दोनों बड़े हो जाओ, एक दूसरे को देख लो, समझ लो, तभी मुंह खोलो। कमाल है अंकल, आपको तो हुक्म देने का हक है। बेटा, तुमने आज मेरे दिमाग का बोझ हल्का कर दिया। लेकिन अंकल, पहले मधु की राय ले लेनी चाहिए। वो मेरी बात कभी नहीं टालेगी, मेरी खुशी में ही वो अपनी खुशी समझती है। मैं भी तो आपकी खुशी में अपनी खुशी समझता हूं। जीते रहो बेटा। ओह अंकल, कुर्ता वक्त हो गया, आई टेक योर लीव। हाँ बेटा जाओ। अच्छा अंकल, जीते रहो बेटा, बाय। पापा, मैं ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ। ओके बेटा, जल्दी आना। अच्छा। अरे माँ जी, आप आइए। माँ जी, कल रात विजय का फोन आया था। अच्छा? कह रहे थे कि आप पापा से कुछ बात करने आ रही हैं। पापा ये। नमस्ते। नमस्ते। इनसे तो एक बार कॉलेज के फंक्शन में मुलाकात हुई थी। अच्छा, आप दोनों बैठ के बात कीजिए, मैं जरा जाके आ रही हूँ। आइए। हेलो, जस्ट अ मिनट, आपका फोन। हेलो, ओ विजय, दिल्ली से कब आए? बस अभी अभी आया हूँ, घर पहुँचा तो माँ नहीं थी, तुम्हें फोन किया तो बंसी ने बताया कि तुम यहाँ हो। अच्छा किया। अच्छा सुनो, आज प्रेमा के घर में पार्टी है। कौन, प्रेमा सेठी? हाँ वही, आज उसकी शादी की सालगिरह है, तुम सीधे वहीं चले आना। अच्छा सुनो, देर मत करना। अच्छा अभी 6 बजे है, 7 बजे तक पहुँच जाना। वो तो ठीक है मधु, लेकिन 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 कुछ नहीं, समझे? समझ गए जानेमन, आप बुलाएं और हम ना आए। ओके बाय बाय, सी यू। सी यू।
का लोकेट। थैंक यू। इट्स नॉट। माय गॉड, फनी पार्टी है। पार्टी कैसी लगी? पार्टी तो अच्छी थी यार, लेकिन काली पे बड़ा तरस आया। क्यों? कितना इंतजार कर रही थी बेचारी। शी इज वेटिंग। कहीं शादी के बाद मुझे तुम इतना इंतजार तो नहीं कराओगे ना? पता चले मैं भी काली हो गई। तो भी चली यार, ब्लैक इज ब्यूटीफुल। एनीवे, मम्मी आई थी? हाँ। डैडी से मिली? हम्म। क्या कहा उन्होंने? हाँ केदी। आर यू श्योर? ऑफ कोर्स, मेरे डैडी हैं। रियली? हाँ। लेट्स गो। माय फादर। अरे माँ, तुम अब तक जाग रही हो? सिर्फ ये बताने के लिए कि अब तुम मधु से नहीं मिलोगे। अरे माँ, ये सब पुरानी बातें हैं, आजकल तो लड़के लड़कियां सब। हाँ जानती हूँ, लेकिन राय साहब ने ना कर दी है। क्या? नहीं माँ, मुझसे मजाक मत करो माँ। मजाक? मजाक तो उन्होंने उड़ाया है हमारा, हमारी हैसियत का। उनके बोलने का अंदाज ऐसा था जैसे उनके सामने हमारी औकात ही क्या है। कहने लगे हमने जुर्रत कैसे की कि मधु को अपने घर की बहू बनाने के सपने देखने लगे। विजय, उन्होंने मधु का रिश्ता कहीं और तय कर दिया है। नहीं माँ, ये नहीं हो सकता। मधु का रिश्ता वो किसी और के साथ नहीं जोड़ सकते। इम्पॉसिबल माँ, इम्पॉसिबल। नहीं बेटा, जोश से नहीं, होश से काम लो। अगर वो नहीं चाहते तो ना सही, दुनिया में सिर्फ एक मधु ही तो नहीं है। नहीं माँ, मधु ही इस घर की बहू बनकर रहेगी। मधु मेरी है, मैं उसे हासिल करके ही रहूंगा। मैं भी देखूंगा राय साहब हमारी दरमियान कैसे दीवार बनते हैं। नो नॉनसेंस मधु, ये कभी नहीं हो सकता। मैं विनोद को जुबान दे चुका हूँ। मैं भी विजय को वचन दे चुकी हूँ। खोखले प्यार की बिना पर दिए गए वचन वचन नहीं होते, महज जवानी का पागलपन होता है। पागलपन ही सही, मैं पढ़ी लिखी हूँ, गवार तो नहीं। मेरे भविष्य का फैसला करने से पहले मेरी राय तो ले लेते। तुम्हारी राय यही है ना कि विजय से तुम्हारी शादी कर दी जाए? तो इसमें बुरा ही क्या है, यही कहना चाहती हो ना? रिश्ते हमेशा बराबर के लोगों में होते हैं। तुम एक करोड़पति की बेटी हो और विजय एक मामूली पुलिस ऑफिसर। जमीन आन ना आज तक कभी मिले हैं, ना कभी मिलेंगे। तुम्हारी शादी विनोद से होगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। तो मेरा फैसला भी सुन लीजिए, मैं विनोद से हरगिज शादी नहीं करूंगी। मैं सब कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। माँ, मैंने तुम्हें वचन दिया था कि तुम्हारे बाद पापा की पूरी देखभाल करूंगी, लेकिन अब मैं मजबूर हूं। तुम होते तो शायद इन दिन देखना नसीब ना होता, क्योंकि माँ के दिल में ममता होती है और बाप के दिल में प्यार से ज्यादा खानदान की इज्जत। मेरी कोई भूल हो तो मुझे क्षमा करना माँ, मुझे क्षमा करना। मधु, कहाँ जा रही हो? वहीं जहां मुझे जाना चाहिए। अपने जीते जी मैं अपनी इज्जत मिट्टी में नहीं मिलाने दूंगा। मैं भी अपना प्यार मिट्टी में नहीं मिलने दूंगी, और ये मत भूलिए कि अब मैं बालिग हो चुकी हूँ।
तमीज, बेहया, मुस्ताह, सरोवर। नहीं, नहीं मुझे जाने दीजिए। नहीं मुझे छोड़ दीजिए। नहीं मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। नहीं, नहीं मुझे, मैं जान दे दूंगी। बस बंद करो। देखता हूँ कैसे निकलती हो इस कमरे से बाहर। जैसा चाहती हूँ वैसा ही होगा, तेरी शादी विजय से ही होगी। हाँ। I'm sorry, पापा, मैंने न जाने आपसे क्या गुस्से में कह दिया। हेलो, आपका है? मेरा? हेलो, कौन बोल रहा है? हाँ विनोद भाई, जरा ऊंचा बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ मुझे भी तुमसे एक जरूरी बात करनी है, मैं भी आ रहा हूँ। जी। मालिक, आज हम कछुना ही भूले, देख लीजिए। मालिक, मालिक, मालिक कहाँ गए? मालिक, मालिक, क्या बात है बंशी काका? अरे मालिक कमरे में नहीं है। इसमें घबराने की क्या बात है? अरे गुरखा। हाँ बंशी काका, रात मालिक बाहर गए रहे, लौटे के नहीं। नहीं बंशी काका, हम शाम को जाते तो देखा, पर आते तो नहीं देखा। नहीं देखा? मधु बिटिया, मधु बिटिया, अरे गजब हो गया बिटिया, रात मालिक घर है नहीं आए। हाँ ऐसा तो कभी नहीं हुआ, मैं भी पता करती। अरे पापा की गाड़ी, वो भी यहीं होंगे। शंकर। जी सरकार। बाहर देखो कौन है। राय साहब हैं? जी यहाँ तो नहीं आए। अरे आओ विजय, आओ मधु, तुम्हारा नंबर ट्राई कर रहा था। हाँ बारिश में जो फोन की हालत हो जाती है। अभी एयरपोर्ट से लौटा तो बाहर राय साहब की गाड़ी खड़ी थी, अंदर आया तो राय साहब है ही नहीं। अजीब बात है, उनकी गाड़ी बाहर है। और आपने जब पहली दफा फोन किया था
तो पापा आप ही से मिलने निकले थे और आपने जब दूसरी बार फोन किया तो पहली बार दूसरी बार जी हुजूर मैंने तो सिर्फ एक ही बार फोन किया था और वो भी अंकल से बात नहीं हो सकी। हाँ बंसी ने मुझे विजय समझ के ये जरूर कहा कि आप दोनों की शादी तय हो चुकी है और अंकल मुझसे मिलने यहाँ आ रहे हैं। आपने खुद उन्हें फोन करके बुलाया? हो सकता है किसी ने मेरे नाम से उन्हें फोन किया हो। वो अगर यहाँ नहीं आए तो उनकी गाड़ी यहाँ कैसे आई? फिर पापा कहाँ चले गए? हौसला रखो मधु, मुझे तो ये केस किडनैप का लग रहा है। किडनैप का केस होता तो अब तक रुपयों की मांग आ जाती। एक्सक्यूज मी। हेलो पापा। हेलो सॉरी रॉन्ग नंबर। पापा मिलेंगे ना? मिलेंगे मधु मिलेंगे। वैसे तुम दोनों सोचकर ये बताओ कि ऐसा कोई आदमी था जिसकी अंकल से दुश्मनी रही हो? अंकल तो देवता थे, उनकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। हाँ 6 महीने पहले उन्होंने एक ड्राइवर को नौकरी से निकाल दिया था। उस ड्राइवर का पता मुझे देना। जी हाँ। मिस्टर विनोद मे आई यूज योर फोन? श्योर। हेलो मिस्टर कुलकर्णी, मैं विजय बोल रहा हूँ एडवोकेट विनोद के घर से। तुम पुलिस फोटोग्राफर और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को लेकर फौरन यहाँ चले आओ, समझे? राइट। कल से राय साहब का पता नहीं, ये गाड़ी उनकी है, सब जगह से फिंगरप्रिंट्स ले लो। यस सर। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, जैसे भी हो पापा को तलाश करो। मामला बहुत सीरियस है विजय बाबू, क्यों ना हम अंकल का एक फोटो अखबार में निकलवा दें और 1,00,000 रुपए के इनाम का ऐलान करवा दें। हो सकता है रुपए के लालच में फंसकर असली मुजरिमों का कोई साथी टूटकर हमें अंकल का पता बता दे। हाँ आज ही खबर छपा दो। राय बहादुर लापता, राय बहादुर लापता, 1,00,000 रुपए का इनाम, 1,00,000 रुपए का इनाम। धत तेरे की, फिर निकल गई। अरे निकल गई ए? निकल गई। क्या निकल गई? लॉटरी 1,00,000 रुपए की। लॉटरी 1,00,000 रुपए की? ये रद्दी के क्या फिर रहे हो? ये रद्दी नहीं है, फिर ये आज के ताजा अखबार हैं। अच्छा ये देखो क्या लिखा है। क्या लिखा है? 1,00,000 रुपए का इनाम। हाँ मैंने इसलिए अखबार आज किसी को बेचा ही नहीं। क्यों? मैंने सोचा हाँ जितने कम लोगों को हाँ इस इनाम के बारे में पता चलेगा हाँ उतना ही ज्यादा हमारा फायदा रहेगा। क्या बात है, क्या लिखा है? राय साहब को ढूंढने वाले को 1,00,000 रुपए इनाम। अरे वाह। जैसे तुम ढूंढने वाले हो उसको। अरे मैं जरूर ढूंढूंगा, मुझे मालूम है ये किसी गैंग का काम है। वो कैसे? सीधी सी बात है, अगर एक जवान लड़का गायब हो जाता मैं समझ जाता किसी जवान लड़की के पीछे भागा होगा। बिल्कुल सही। मगर एक बूढ़े रईस को तो गुंडे रुपए के लिए ले गए होंगे। मगर राय साहब कहाँ मिलेंगे? ढूंढने से किसे? भाई देखो हाँ। जो गैंग वाले हैं हाँ। उन्हें कहीं तो छिपा के रखा होगा हाँ। या जंगलों में हाँ। या खंडरों में हाँ। या पहाड़ की गुफाओं में हाँ। या सुनसान वादियों हाँ। अरे वाह कमाल है, ये क्या चीज निकल आई, ये क्या वस्तु है? अरे वाह वाह वाह, हरि ओम, जय हो, ये तो गणपति महाराज है। महाराज आज कितना शुभ दिन है, मानो 1,00,000 रुपए मेरी जेब में आ गए। गणपति महाराज की जय। मूरत मोरिया छोटा सा एक कर दो काम, मंगल मूरत मोरिया छोटा सा एक कर दो काम, सिद्ध विनायक तेरा नाम सिद्ध हमारा कर दो काम, सिद्ध विनायक तेरा नाम सिद्ध हमारा कर दो काम। मोरिया रे बापा मोरिया रे, मोरिया रे बापा मोरिया रे, मोरिया रे बापा मोरिया।
के बिना है संकट भारी, रुकी पड़ी है अपनी गाड़ी। धन के बिना है संकट भारी, रुकी पड़ी है अपनी गाड़ी। कोई न पूछे दशा हमारी, दर दर के हम बने भिखारी। कोई न पूछे दशा हमारी, दर दर के हम बने भिखारी। लाख रुपए का दे दो दान, लाख रुपए का दे दो दान। मोरिया रे बापा मोरिया रे, हाँ मोरिया रे बापा मोरिया रे, मोरिया रे बापा मोरिया रे। प्रभु जी बड़ी है शक्ति, बिन धन चूल्हे आग न जलती। धन में प्रभु जी बड़ी है शक्ति, बिन धन चूल्हे आग न जलती। इसके बिना ना रोटी पकती, खाली पेट न होए भक्ति। इसके बिना ना रोटी पकती, खाली पेट न होए भक्ति। लाख रुपए का दे दो दान, लाख रुपए का दे दो दान। मोरिया रे बापा मोरिया रे, मोरिया रे बापा मोरिया रे, मोरिया रे बापा मोरिया रे। जो मिले मंदिर बनवाऊं, मंदिर में फिर तुम्हें बिठाऊं। जो मिले मंदिर बनवाऊं, मंदिर में फिर तुम्हें बिठाऊं। धूमधाम से गागा कर मैं सारी दुनिया को ये बताऊं। धूमधाम से गागा कर मैं सारी दुनिया को ये बताऊं। लाख रुपए का दे दो दान, लाख रुपए का दे दो दान। मोरिया रे बापा मोरिया रे, अरे मोरिया रे बापा मोरिया रे, मोरिया रे बापा मोरिया रे। मिस्टर शाह, इसका मतलब यह हुआ कि ये फिंगरप्रिंट्स हमारे रिकॉर्ड में किसी से भी नहीं मिलते। नहीं लॉर्ड। यस सर। उस ड्राइवर का पता चला? जी हाँ, पिछले दो महीने से चोरी के सिलसिले में वो नासिक जेल में है। ओके इंस्पेक्टर। ओके मिस्टर शाह। कमाल है, राय साहब अब तक नहीं मिले। अब क्या मिलेंगे? मेरा ख्याल है गब्बर सिंह उठा के ले गया होगा। लगता है पुलिस आई। अरे इसकी तो निकल गई हवा। गाड़ी इस समय रात को जंगल में कुछ गड़बड़ है। चलो मालूम करें। हेलो गोपी, कुछ गड़बड़ लगती है। डरपोक कहीं का, मेरी तरह हिम्मत रखो। हिम्मत तो रखता हूँ मगर। क्या हुआ, रखवा मार गया? ये तो राजा की लाश है। चलो पुलिस स्टेशन चलो। क्या बात है? लाख रुपए लाइए, लाख रुपए लाइए। क्या भागते हो? पकते नहीं है, मैंने राय बहादुर की लाश देखी है। लाश देखी?
चलिए आइए आइए। ये रही लाश। भगवान उन हत्यारों को कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा जिन्होंने तुम्हारे सर से तुम्हारे पिता का साया छीन लिया। रो मत बेटी, चुप हो जाओ। जिसने भी ये जलील हरकत की है उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा मधु, फांसी के फंदे पे लटका के ही दम लूंगा। उसे फांसी लग जाने से मेरे पापा तो मुझे नहीं मिलेंगे ना। मैं मानता हूं मधु, मानता हूं, लेकिन माँ बाप हमेशा तो कब तक ऐसी खुलती रहोगी मधु? जहां तक हो सके खुश रहने की कोशिश करो, सिर्फ सिर्फ खुशी से आदमी गम को दबा सकता है। अरे तू कोई के आवत जावत देखे रहे का? नहीं, मोई ने ना किसी को आते देखा ना जाते देखा, मैं तो कोली में बीड़ी फूंक रहा था। नहीं, मैंने देखा है। बीबी जी, ऊपर तो कोई नहीं है, हम सब देख लिया। अरे बिटिया कोई नहीं है, ये तेरी आंखन का धोखा है। हाँ, ऐसे ही चुआऊंगा, ये जरूर आपकी आंखों का वो है। मैं नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अरे बिटिया तू जरूर कोई झाड़ का साया देखी रही, चल हम तो का कमरे में छोड़ दे। चल चल बिटिया, चल चला हो। जय शिव शंभू, जय शिव शंभू, उठा दे कोटियन लगा दे तंबू, बहादुर ले तू भी पहुंच जा स्वर्ग में। अभी चल साले, मेरी अभी शादी नहीं है तू स्वर्ग भेज रहा है? अपन को तो इसी नशे में लाल परी नाचती नजर आती है। लाल परी संभाल के रखना अपनी लाल पुहारी को, कहीं तेरे को भी उठा के न ले जाए। तू मत चिंता कर। हेलो साहब, अरे साहब क्या बात है साहब? मैं गोपीचंद जासूस हूँ और ये मेरा दोस्त है। नाम भरोसे सही। हमने ही राय बहादुर की लाश ढूंढी थी। तो यहाँ क्या ढूंढा है साहब? हम तुम्हारा मेन साहब से ये पूछने आए हैं कि कातिल को पकड़ने का कितना इनाम रखा हुआ है। मेम साहब तो साहब अपने भाई के घर गई है, रात उनके भाई पर किसी ने हमला कर दिया था। हमला? भाई ये किसी बड़े गैंग का काम होगा। आई एग्री। और इसके ऊपर इनाम भी बहुत बड़ा होगा। आई फुल्ली एग्री। मैं क्या बताऊं साहब, ये तो मेम साहब बता सकती हैं या पुलिस। ये बताना मेरा काम है। पुलिस, फंड टू पुलिस स्टेशन, चलो। मैं भी कमिन सर। आप लोग तो अंदर आ ही चुके हैं। मेरा मतलब है हम लोग आपकी सरकारी कुर्सी के ऊपर बैठ सकते हैं। बैठे हुए कहिए कैसे आना हुआ? देखिए भाई साहब, बिना मतलब के कोई किसी के पास नहीं जाता, और आज के जमाने में तो आदमी का मतलब है सिर्फ एक चीज से, और वो है पैसा। पैसा, पैसा। लेकिन आप लोगों को तो इनाम मिल चुका है। गोपी का मतलब ये है कि लाश को ढूंढने के लिए 1,00,000 रुपए का इनाम था, है ना? अब कातिल को पकड़ने या पकड़वाने के लिए कम से कम 5 या 10 लाख रुपए होने चाहिए, है ना? पुलिस ने किसी ऐसे इनाम का ऐलान तो नहीं किया? अगर ऐलान नहीं किया है तो करवा दीजिए। हाँ। क्यों? क्योंकि मेरे जासूसी तजुर्बे के बिना पर
मैं आपको कातिल तक पहुंचा सकता हूं। क्या जानते हैं आप लोग? बहुत कुछ। अपने सरकारी कान मेरे पास में लाइए। यहाँ ये कल रात दल बजे की ओ साकल खड़क गई। कल रात दल बजे की हाय साकल खड़क गई। दरवाजा खोला तो बनिया खड़ा था, दर्द का पान उसके मुंह में दबा था। कल रात दल बजे की कल खड़क गई। अरे खोल रे की बढ़िया जरा, अरे खोल रे की बढ़िया जरा, कमरे के अंदर बुला, प्यारी कमरे के अंदर बुला। सोने का पलंग बा तुझको मैं ला दूं, घर को बना दूं मैं किला। घर से मुआ जब मैं भड़क गई, कल रात दल बजे की ओ साकल खड़क गई। Thank you.
क्या हाल है दोस्त? बड़े रंग में हो, बहुत माल उड़ा रहे हो, ताजा ताजा बाप पर है क्या? क्या आप बोलते हो, मेरा तो बाप जिंदा है अभी। इसका बाप जिंदा है? अरे बाप तो मेरा मर गया है। कोई माल कमाने की तरकीब जरा हमें बता दो। है हिम्मत कुछ करने की? अरे है ना, है ना। सुनिए, कोई गलत काम नहीं होना चाहिए। अरे कभी सीधी उम्र से घी निकला है क्या? क्या करना होगा? वही जो मैं करता हूँ। आप क्या करते हैं? कभी कभी उंगली टेढ़ी कर लेता हूँ, और वो तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते। बीबी जी क्या हुआ? माली तुम? आ, 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 कौन था वो? कौन था वो? बोलते क्यों नहीं? हाँ? बोलो, बोलो। इंस्पेक्टर विजय, आप कहते हैं राय बहादुर का माली शामू मरने से पहले कोई बयान नहीं दे सका, बल्कि अपने खून से वी लिख गया। जी हाँ। तो वी ही उसका कातिल है? लेकिन सर, वी से तो कई नाम शुरू होते हैं, सिर्फ इस बुनियाद पर किसी को गिरफ्तार तो किया नहीं जा सकता कि उसका नाम वी से शुरू होता हो। यू आर राइट मिस्टर विजय, मेरा मतलब है हमें सिर्फ उस वी को तलाश करना चाहिए जिसका ताल्लुक राय बहादुर, उनकी बेटी या उनके घर से हो। तीन नाम तो मैं ही तुम्हें बता सकता हूं। जी? जैसे वी से विनोद कुमार एडवोकेट, जिससे राय बहादुर अपनी बेटी की शादी करना चाहते थे। जैसे वी से विपिन कुमार, राय बहादुर का भतीजा। जैसे वी से विजय कुमार वर्मा, यानी आप, जिससे राय बहादुर की बेटी मोहब्बत करती थी और शादी भी करना चाहती थी। ये तो तय है कि माली का कातिल वी है। जी। इसलिए वही भी वो शख्स है जिसने राय बहादुर का खून किया है। थैंक यू सर, नाउ आई शिल स्टार्ट माई इन्वेस्टिगेशन ऑन दिस लाइन। ये कौन है? किसने एक आदमी को चाकू मारा साहब? हाँ हाँ मारा है। साले ने पहले तो अपनी लड़की की सगाई मेरे साथ की, और फिर जब अमीर लड़का मिला तो शादी वहां तय कर दी, और साहब सबके सामने इसने मेरी बेइज्जती की। साले को चाकू नहीं मारता क्या इसकी पूजा करता? हेलो विनोद साहब। हेलो इंस्पेक्टर, आओ आओ। अभी मधु को फोन किया, बहुत परेशान है बेचारी। परेशान तो होगी, रात दिन कोशिश कर रहा हूँ पर नाकामी की सिवा कुछ हाथ नहीं लग रहा। अरे सोचा। हाँ जी फरमाइए। विनोद बाबू, आपके ख्याल में इस तरह का काम कैसा आदमी कर सकता है? ये तो आप भी जानते और मैं भी, दुनिया में ऐसी हरकतें सिर्फ औरत, दौलत या जायदाद के लिए होती हैं। लेकिन आजकल तो कई लोगों को मीनिया होता है ऐसा काम करने का। जैसे कि वो था कनपटी मार। कनपटी मार? ओह यस, नो थैंक्स, मैं अपना ब्रांड पीऊंगा। अरे शंकर। यस सर। जरा दो गिलास शरबत लाना। लाया हुजूर। या थैंक यू। यू वेलकम। या अच्छा, गाड़ी के फिंगरप्रिंट से कुछ पता चला? इतना पता चला कि एक नए मुजरिम का काम है। ओ लीजिए सर, सरकार।
विनोद बाबू, आप तो उनके घर कई सालों से आते जाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई लड़का मधु को चाहता हो और ये इशारा कहीं आपका मेरी तरफ तो नहीं, क्योंकि ये बात तो सिर्फ मैं अपने लिए कह सकता हूँ। नहीं नहीं, मजाक कर रहे विनोद बाबू, मजाक कर रहे। अब मैं इजाजत चाहूंगा। मेरे लिए कोई काम हो तो जरूर बताइए। श्योर, सेव, बाय। इस पर किसी के फिंगरप्रिंट्स हैं, मुझे घंटे में रिपोर्ट चाहिए। यस सर। क्यों मिस्टर शाह, ये फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं इंस्पेक्टर? मुझे यही उम्मीद थी। विनोद बाबू घर पे हैं? जी। आओ इंस्पेक्टर, join me for a drink. No thanks, Mr. Vinod. You are under arrest. What? आपको राय बहादुर महेंद्र प्रताप सिंह के किडनैप और कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। Oh. यह आपकी गिरफ्तारी का वारंट। लेकिन इंस्पेक्टर, आपको जो कुछ कहना है अदालत में कहिएगा। मुझे सर एक फोन करने की इजाजत है? श्योर, प्लीज। थैंक यू। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप मालिक को गिरफ्तार न कीजिए इंस्पेक्टर साहब। घबराओ नहीं शंकर, घबराओ नहीं। कानून सिर्फ पुलिस वालों की जागीर नहीं है, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ दोस्त, मैं बोल रहा हूँ, फौरन चले आओ। हाँ हाँ, तुम आ जाओ, बाद बाद में बताऊंगा तुम्हें। ओके मिस्टर विनोद, ठीक है, आप अपने मुकदमे की पैरवी बाजार से खुद कर सकते हैं। थैंक यू योर ऑनर। मिस्टर एडवानी, कार्रवाई शुरू की जाए? यस योर ऑनर। मिस्टर विनोद, क्या आप बता सकते हैं कि राय साहब से आपके क्या ताल्लुकात थे? घरेलू ताल्लुकात थे। पहले मेरे पिताजी राय साहब के फैमिली वकील थे और उनके बाद मैं उनका फैमिली वकील था। क्या ये सच है कि राय साहब आपको अपना दामाद बनाना चाहते थे? जी हाँ। लेकिन आप जानते होंगे कुछ रात उन्होंने अपना इरादा बदल दिया था, है ना? जी, लेकिन ये बात मुझे खुद राय साहब से नहीं पता चली। जब मैंने उनके घर फोन किया, उनके नौकर बंसी ने फोन उठाया और मुझे विजय समझ बैठा और मुबारकबाद दी। कहने लगा, विजय साहब मधु की शादी आपसे तय हुई है। लेकिन ये बात तो आप पहले से जानते थे, क्योंकि राय साहब आपका पहला फोन सुनकर ही घर से निकले थे। ये गलत है, मेरी उनसे फोन पे कोई बात नहीं हुई और ना ही वो मेरे घर आए। तो फिर वो पहला फोन किसने किया था? मुझे क्या मालूम, मैंने तो नहीं किया। और जब वो नहीं आए तो आपने दोबारा फोन क्यों नहीं किया? जरूरत नहीं समझे, सोचा किसी वजह से उन्होंने अपना इरादा बदल दिया होगा, सो मैं अपने दोस्त गुप्ता जी के साथ एयरपोर्ट चला गया। फिर इसके बाद इनके किराए के गुंडों ने अपना खेल शुरू किया। मंसूबे के मुताबिक राय साहब को किडनैप किया और ये एयरपोर्ट से सीधे वहां पहुंचे। इन्होंने चाहा कि राय साहब अपना इरादा बदल दें ताकि उनकी इकलौती बेटी और करोड़ों की जायदाद हाथ से न जाए। लेकिन जब राय साहब ने इनकार कर दिया तो उन्होंने जोश इंतकाम में राय साहब को कत्ल कर दिया। वाह, बहुत खूब, निहायत ही इंटरेस्टिंग प्लॉट है। मेरे काबिल दोस्त ने बड़ी खूबसूरत रंगीन इमारत खड़ी की है, लेकिन अफसोस बेबुनियाद। अफसोस तो इस बात का मिलॉर्ड, एक तरफ मेरे काबिल दोस्त मुझे इंतहाई शातिर साबित करना चाहते हैं और दूसरी तरफ निहायत ही बेवकूफ। मैंने मिलॉर्ड इतना बड़ा मंसूबा खड़ा किया, राय साहब को किडनैप किया, उनका कत्ल किया, उनकी लाश ठिकाने लगाने का बंदोबस्त किया और उसके बाद उनकी गाड़ी चलाकर अपने घर के बाहर लाके खड़ी कर दी ताकि पुलिस आए और मेरी गर्दन दबोच ले। सच तो यह है मिलॉर्ड कि इस कत्ल से मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं। ताल्लुक है योर ऑनर, क्योंकि राय साहब का माली श्यामू बीनी की गोली का निशाना बना है और वो मरते वक्त अपने खून से वी लिख गया है, जिसका मतलब सिवाय विनोद के और कुछ नहीं होता।
मुझे अपने मुअज्जिज़ दोस्त की काबिलियत पे फख्र है मिलॉर्ड। इनका कहना है कि वी का मतलब सिवाय विनोद के और कुछ भी नहीं हो सकता। मिलॉर्ड, वी से विजय भी हो सकता है, विपिन भी हो सकता है, एंड विद ड्यू अपोलॉजीज़ टू यू मिलॉर्ड, आप विष्णु प्रसाद भी हो सकते हैं। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो मिस्टर विनोद? मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ योर ऑनर कि खून से लिखे हुए वी की बुनियाद पर किसी को कातिल करार नहीं दिया जा सकता। अच्छा, अगर ऐसा ही है तो कार पर नामालूम गुंडों के साथ आपके फिंगरप्रिंट्स कैसे पाए गए? मिलॉर्ड, उस रात मैं सुबह तक एयरपोर्ट पर ही था, जिसका तहरीरी सबूत अदालत में मौजूद है। जब मैं सुबह सुबह एयरपोर्ट से घर लौटा तो राय साहब की गाड़ी को अपने घर के बाहर पाया। तेजी से घर के अंदर गया, राय साहब को घर में न पाकर हैरानगी की हालत में मैं बाहर आया। हो सकता है इसी हैरानगी की हालत में उनकी गाड़ी को मेरे हाथ लग गए हों और इसीलिए मेरे फिंगरप्रिंट्स वहां मौजूद थे। बड़े अफसोस की बात है मिलॉर्ड, ना तो कोई ठोस सबूत ना ही कोई चश्मदीद गवाह, फिर भी मेरे काबिल दोस्त मिस्टर हडवाणी सिर्फ फिंगरप्रिंट्स की बुनियाद पर मुझे कातिल करार देने पर तुले हुए हैं। अदालत, तमाम वाकयात पर गौर करने के बाद इस नतीजे पर पहुंची कि मुलजिम विनोद कुमार मेहरा का राय बहादुर महेंद्र प्रताप सिंह के किडनैप और खून से कोई भी ताल्लुक साबित नहीं हुआ, लिहाजा अदालत विनोद कुमार को रिहा करती है एक पाबंदी पर। जब कभी इस केस में आपकी जरूरत महसूस होगी आप पेश होंगे। और पुलिस को हिदायत दी जाती है इस केस के मुताल्लिक अच्छी तरह से छानबीन दोबारा की जाए। मुझे अफसोस है मधु, आपके विजय साहब मुझे कातिल साबित करने में कामयाब नहीं हुए। मिस्टर विजय, याद रहे खेल अभी शुरू हुआ है, आप अपनी चाल चल चुके हैं, अब मेरी बारी है। माना आज तक आप हमसे काफी कुछ छीनने में कामयाब हुए हैं, लेकिन हमारी वकालत नहीं छीन सकते। वेट एंड सी। विजय, मुझे डर लग रहा है। डर किस बात का मधु, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चलो। जानी है, अरे पन बाप हमको कौन बुलाया भाई? हाँ? अरे पैसा बुलाया, पर क्या करना होगा? ये है 5,000 रुपए, अदालत में गवाही देनी होगी, बाकी काम होने के बाद। ओ, अदालत में गवाही देगा? जरूर देगा। What? जानते तुम क्या कह रहे हो? एकदम बरोबर जानता है साहब। कहीं तुम दोनों मिलके मुझे फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? आप उन लफड़े वाला आदमी नहीं है साहब, हम काय को पुछाएगा आपको? कोर्ट में गवाही दोगे? बरोबर देगा साहब, सच्ची बात है, जो आपको बोला उधर बोलेगा। फिर सोच लो, वो पुलिस इंस्पेक्टर है और तुम पुलिस इन्फॉर्मर, ये ना हो कटहरे में पहुंचते ही तुम्हारे पांव डगमगाने लग जाएं। वकील साहब, जॉनी पुलिस इन्फॉर्मर है, पुलिस का नौकर नहीं है, और अपन का पांव बहुत मजबूत है। दैट्स गुड, कोर्ट में मुलाकात होगी। नक्की मुलाकात होगी साहब। उसे भी पता चल जाएगा कि एक वकील को हाथकड़ी पहनाने का अंजाम क्या होता है। मिस्टर विनोद, आपने इंस्पेक्टर विजय वर्मा पर बहुत ही संगीन इल्जाम लगाया है, लेकिन सिर्फ इल्जाम लगाने ही से बात नहीं बनती। जानता हूं योर ऑनर, अदालत सबूत और शहादत चाहती है। तो फिर पेश कीजिए। यस योर ऑनर, सबसे पहले मैं विजय की माताजी सरस्वती देवी से चंद सवाल करना चाहूंगा, उन्हें बतौर गवाह पेश किया जाए। इजाजत है। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूंगा माँ जी, क्या आप अदालत को बताने की कृपा करेंगी कि जिस रात राय साहब किडनैप हुए उस रात विजय कितने बजे घर लौटा था?
रात का समय था। क्या वक्त हुआ होगा? यही कोई 2 बजे होंगे। ये बात नोट की जाए योर ऑनर कि रात के 2 बजे थे। आप जा सकती हैं योर ऑनर। अब मैं अपने दूसरे गवाह मिस्टर जॉन पिंटो को पेश करने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है मिस्टर जॉन पिंटो। हम कसम खाता है साहब, जो बोलेगा सच बोलेगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेगा साहब। हाँ तो इंस्पेक्टर विजय वर्मा, आप इस शख्स को जानते हैं? जी। नाम क्या है इसका? नाम इनका जॉन पिंटो है। हाँ। और काम पुलिस इन्फॉर्मर। गुड। आपने कभी इसकी दी हुई इन्फॉर्मेशन पर कोई रेड वेट किए? जी हाँ, कई बार किए। कामयाबी मिली? कई बार, यस। गुड। यानी कि शख्स की दी हुई इन्फॉर्मेशन ज्यादातर रिलायबल होती है? जी हाँ, होती है। ये पॉइंट नोट किया जाए योर ऑनर, मुलजिम विजय वर्मा कबूल करते हैं कि जॉन पिंटो की दी हुई इन्फॉर्मेशन ज्यादातर रिलायबल होती है। प्रोसीड मिस्टर विनोद। थैंक यू योर ऑनर। हाँ तो मिस्टर जॉनी, तुमने उस रात क्या देखा? साहब हम ये देखा कि इंस्पेक्टर विजय साहब काली नाका टेलीफोन बूथ के अंदर से फोन करके बाहर आया, अपनी जीप में बैठा और थोड़ा टाइम के बाद उधर से राय साहब का गाड़ी पास हुआ। विजय साहब देखा और फट से अपना गाड़ी स्टार्ट किया और उसका पीछा किया। फिर क्या हुआ? उसके बाद जो कुछ भी हुआ योर ऑनर, अदालत उससे अच्छी तरह वाकिफ है। राय साहब किडनैप किए गए, उनका कत्ल हुआ और ये सब किसी और ने नहीं योर ऑनर, इंस्पेक्टर विजय ने किया। और उसके बाद इसलिए रात को 2 बजे वो घर पहुंचे। नहीं योर ऑनर, ये झूठ है। तो फिर सच क्या है मिस्टर विजय? सच तो ये है योर ऑनर कि बेशक उस रात कालीनाका के टेलीफोन बूथ से राय साहब को मैंने फोन करना चाहा, लेकिन फोन नहीं लगा योर ऑनर। ये झूठ है योर ऑनर, फोन लगा, फोन लगा और मिस्टर विजय ने राय साहब को मेरी आवाज में मेरा ही नाम लेके फोन किया। ये वही पहला फोन है योर ऑनर जिसे सुनकर राय साहब अपने घर से बाहर निकले थे। मिस्टर विनोद, इंस्पेक्टर को बोलने दीजिए, उसके बाद जो भी कुछ आपको कहना है कहिए। आई एम सॉरी योर ऑनर। हाँ मिस्टर विजय। योर ऑनर, उस रात मैं राय साहब की गाड़ी के पीछे गया। अरे भगवान, तुम्हारा सत्यानाश करेंगे। छोड़ दो पापियों, छोड़ दो, मुझे डर मत। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। अरे 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 छोड़ दो। अरे कुत्तों, पहले अपने बाप से तो गले मिल लो। अबे तमंचा फेंक, फिर गले मिलता हूँ बच्चे। Thank you.
की वजह से आज हमारी इज्जत बची है। तुम कितने अच्छे हो बेटा, मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं। नहीं बाबा, ये तो मेरा फर्ज था। चलिए पुलिस स्टेशन चलिए, रिपोर्ट लिखवाने। वहां से मैं पुलिस स्टेशन गया जहां रिपोर्ट लिखवाई, और वहां से अस्पताल में उसे दाखिल करवाया। इसी सिलसिले में मुझे रात का 1:30 बज गया और घर पहुंचते पहुंचते 2। योर ऑनर, अगर अदालत चाहे तो इस बात की पुलिस स्टेशन से इंक्वायरी कर सकती है। योर ऑनर, मेरी राय में अगर ये सब सच भी है और हुआ है तो राय साहब के कत्ल के बाद हुआ है। मिस्टर विनोद, जो आप कह रहे हैं सही हो सकता है, लेकिन अदालत को दलील नहीं सबूत चाहिए। आपके चश्मदीद गवाह ने इंस्पेक्टर वर्मा को पीछा करते देखा, गोली चलाते नहीं देखा। लिहाजा इंस्पेक्टर वर्मा का राय बहादुर के किडनैप और खून से कोई भी ताल्लुक साबित नहीं होता। गो, शक को सुबह से बरी नहीं, इसलिए अदालती पाबंदियों के साथ इंस्पेक्टर वर्मा को रिहा किया जाता है। वारंट है। याद है इंस्पेक्टर, मैंने कहा था मेरी वकालत मुझसे नहीं छीन सकते। विनोद, मैंने कभी हारना नहीं सीखा। देखते हैं। अब क्या होगा बेटा? ये क्या कह रही हूँ माँ? मैं ठीक ही तो कह रही हूँ। मेरा दिल तो अभी से बैठा जा रहा है। ये साबित हो चुका है कि उस रात तूने टेलीफोन किया था, और ये भी साबित हो चुका है कि तू उनकी गाड़ी का पीछा कर रहा था। कल ये भी साबित हो सकता है कि तूने ही उनका खून। माँ, कुछ नहीं होगा, प्लीज जाइए, आराम कीजिए, प्लीज। बेटे, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। फिक्र मत कीजिए, जाइए। तुम जैसा बोला हम वैसा किया, और विजय को फंसा दिया, लेकिन तुमने हमको हमारा 5 लाख रुपया नहीं दिया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तुमको बहुत छूट दे रहे, अब हम तुमको बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। व्हाट? अगर कल तक हमको हमारा 5 लाख रुपया नहीं मिला ना, तो जो फोटो हम तुमको दिया है वो हम पुलिस को देगा। काय को नहीं करना, करेगा हम जरूर करेगा। लिसन मैन, अगर हम लखपति नहीं बनेगा तो हम तुमको करोड़पति नहीं बनने देगा। एंड लिसन केयरफुली बॉय, अगर हम वो फोटो पुलिस को देगा तो पुलिस तुमको राय साहब के मर्डर के इल्जाम में हैंग करेगा, हैंग। अब आ गया बराबर लाइन पर। व्हाट? होटल सी क्वीन, व्हाट टाइम? रात के 11 बजे। ओके, रात को 11 बजे होटल सी क्वीन में तुमको हमारा आदमी मिलने को आएगा, हमारा नाम लेगा, उसको हमारा 5 लाख दे देना। अगर तुमने वायदे के बराबर काम नहीं किया तो हम तुमको 1 मिनट में ऊपर भेजेगा, ऊपर गॉड के पास। ओके, गुड नाइट माय डियर, स्वीट ड्रीम्स। धुआ धुआ मेरा दिल हुआ,
जैसा तेरा जो बदन छुआ हुआ धुआ धुआ मेरा दिल हुआ बेखबर बेखबर तुम बेखबर कर ये शबाब होठों पे गुलाब मेरे रंगी का बिखराना ए आना लेकर ये शबाब होठों पे गुलाब मेरे रंगी का बिखराना है धुआ 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 मेरा दिल हुआ धुआ 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 मेरा दिल हुआ छोले जैसा तेरा जो बदन हुआ धुआ 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 मेरा दिल हुआ बेखबर 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 बरसात कर जाना आती है ये रात जाते हैं जज्बात जल्दों की बरसात कर जाना और धुआं 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 मेरा दिल हुआ धुआं 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 मेरा दिल हुआ दिल को दिलदार कर पाना आना आपको इंतजार करना है दुश्वार इस दिल को दिलदार कर पाना धुआं 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 मेरा दिल हुआ धुआं 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 मेरा दिल हुआ छोले जैसा तेरा जो बदन छुआ धुआ 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 मेरा दिल हुआ बेखबर 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 तुम बेखबर
कमीने, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, फांसी तो लगेगी तुझे। पर इस सबूत के बाद कुछ और कहने की गुंजाइश ही नहीं रहती। बैलिस्टिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक जो गोलियां राय बहादुर, शामू माली और विक्टर के बदन से बरामद हुई हैं, वो मुलजिम विपिन की रिवॉल्वर से चली हैं और रिवॉल्वर पर मुलजिम के उंगलियों के निशान तक मौजूद हैं। नहीं, ये सब झूठ है, गलत है। मैंने अकल का खून नहीं किया। योर ऑनर। ये सच कहता है कि इसने मेरा खून नहीं किया। आपको जो भी कुछ कहना है विटनेस बॉक्स में आके कहिए। यस योर ऑनर। जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। योर ऑनर, मैं राय बहादुर महेंद्र प्रताप सिंह हूं और ये मुलजिम सच कह रहा है कि इसने मेरा खून नहीं किया। नहीं, ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन है। जा साहब, तुम अंकल नहीं हो सकते। अंकल को तो मैंने अपने हाथों से मारा है। ये कोई बहरूपिया, जा साहब, ये कोई बहरूपिया है। योर ऑनर, ना तो मैं कोई भूत प्रेत हूं और ना ही कोई बहरूपिया। ये मुलजिम विपिन मेरे जुड़वे भाई कुंदन सिंह का बेटा है। इसे मैंने अपने बेटे की तरह पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया और अपने कारोबार की बागडोर इसके हाथ में सौंपी। लेकिन अपने बाप की तरह ये भी आस्तीन का सांप निकला। उस रात टेलीफोन आने के बाद जब मैं अपने बंगले से कार में निकला तो एक मोड़ पर कुंदन, ये तुमने क्या उड़िया बना रखा है? आओ अंदर आओ। कहो कैसे हो कुंदन, क्या कारोबार शुरू किया? अब तक तो तैयारी कर रहा था, कारोबार तो अब शुरू होगा। कुंदन ये क्या पागलपन है? राय बहादुर महेंद्र प्रताप सिंह जी, ये पागलपन नहीं, अपने मुकद्दर को खूबसूरत बनाने का प्लान है। कुंदन तुम आखिर चाहते क्या हो? सब पता चल जाएगा। ये रिवॉल्वर रिश्तों की जुबान नहीं समझता राय बहादुर। चलो। लेकिन कुंदन तुम कहां ना चलो। चलो। कहां गया है मुझे? राय बहादुर साहब को एक नई जिंदगी देने। मगर तुम चाहते क्या हो? कपड़े उतारो। क्या? सुना नहीं? उतारो कपड़े। चलो। बहादुर की जिंदगी जीऊंगा। तुमने सुधरने का यही सबूत दिया? कुत्ते की तुम जो हूं, सीधा कैसे हो सकता हूं? योर ऑनर, दो रात कमरे में बंद रहने के बाद जब मैं सुबह सवेरे रोशनदान से कूदकर बाहर निकला तो मैंने सड़क पर अखबारों में अपने मौत की खबर पढ़ी। मैं चौंका और समझ गया कि ये तो मेरे जुड़वे भाई कुंदन का ही खून हुआ है। मैं फौरन छुपता छुपाता अपने जिगरी दोस्त सेठ मोतीलाल के यहां पहुंच गया।
और उन्हें सारी कहानी कह सुनाई। जब तक असली कातिल का पता नहीं लग जाता, मैंने अपने आप को उनके घर में छुपाकर रखना ही मुनासिब समझा। हुआ यूं था योर ऑनर कि मेरा भाई कुंदन एक निहायत ही आवारा और बदचलन आदमी था। 20 साल पहले एक कत्ल के इल्जाम में उसे उम्र कैद हुई थी। क्योंकि उसके गुनाहों का साया उसके बेटे पर ना पड़े, मैंने विपन को बचपन में ही बता दिया था कि उसका बाप एक हादसे का शिकार होकर मारा जा चुका है। इन सब बातों से यह साफ जाहिर है कि मुलजिम ने मारना तो मुझे चाहा था, लेकिन अनजाने में अपने हाथों अपने ही बाप का खून कर दिया। क्या कर रहे हो बेटा? मैं तुम्हारा बाप हूं। विपन बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूं। मैंने कब इनकार किया? मगर मौत तुम्हारा मुकद्दर बन चुकी है। मैं राय बहादुर नहीं, ये कपड़े तो मैं भी। मैं खूनी हूँ। मैंने अपने बाप को मार डाला, मैं शामू और बेटे को मार डाला। मैं लालची हूँ, मैं दरिद्रा हूँ। मैं सबको मार डालूंगा, 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 मैं सबको मार डालूंगा। मैंने अपने बाप को मार दिया, मैं सबको मार दिया। अदालत, तमाम बयानात, वाकयात और शहादतों पर गौर करने के बाद मुजरिम विपिन कुमार को कुंदन सिंह, श्यामू और विक्टर के खून के जुर्म में ताजरात हिंद दफा 302 के तहत सजाए मौत का हुक्म देती है। तुम दोनों को जिंदगी भर साथ रहने की सजा दी जाती है। मुबारक हो राय बहादुर साहब। मुबारक हो वकील साहब। जी ये हमारा 1,00,000 रुपया वापस तो नहीं लेंगे? देखिए मेरी सलाह के 2,00,000 लगते हैं। ओह नो। लव का मतलब प्रेम, प्रेम का मतलब रो, कहते हैं ये लोग, कहते हैं ये लोग।